संभल जनपद के नए एसपी ने इख्तियार किया सिंघम वाला स्टाइल। संभल जिले को नए एसपी चक्रेश मिश्रा 2015 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के उद्देश्य से संभल जिले की सड़कों पर बिना वर्दी के प्राइवेट वाहन से बिना सिक्योरिटी फोर्स के गोपनीय तरीके से अपने ड्राइवर के साथ प्राइवेट कार से सड़कों पर सरपट दौड़ते हुए नजर आए। इस नजारे को देखने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना और कोतवाली पुलिस सतर्क हो गई। संभल जिले के नए एसपी का यह स्टाइल देखकर सभी लोग चौकन्ना हो गए। नए एसपी के इस कारनामे से पुलिस महकमे में भय की स्थिति बनी हुई है। नए एसपी चक्रेश मिश्रा के संभल पहुंचने से पहले ही चंदौसी चौराहे पर पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दिया। संभल जिले के नए एसपी की इस कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि संभल जिले में अब कुछ नया देखने को मिलेगा। नए एसपी के साथ संभल जिले की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था दोनों बदलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। संभल जिले के गुंडे और बदमाशों की अब खैर नहीं है। तेज तर्रार एसपी श्री चक्रेश मिश्रा ने पहले दिन ही गुंडे और बदमाशों के लिए अपने संदेश के जरिए चेताने का प्रयास किया है कि वह जिला छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो जेल में ही रहें। गुंडे और बदमाशों को उनके द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। सर, जैसे संभल का निरीक्षण किया है सर, प्राइवेट गाड़ी से, किस लिए किया है, क्या कमियां कर पाई गई? आज मैं संभल नगर में जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है उसको देखने के लिए निकला था कि हमारे यहाँ जो पुलिस की जो सेक्टर स्कीम और जोनल स्कीम लगाई गई है वो चाक चौबंद तरीके से काम कर रही है या नहीं। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वहाँ पर हमारी पुलिस मुस्तैद मिली, इंस्पेक्टर्स जिनकी ड्यूटी लगी है वो लोग अलर्ट मिले, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या किस किस तरह से यहाँ ट्रैफिक की क्या समस्या है, जिन चौराहों पर समस्या आ रही है उस पर क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है, इस बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग दें और इसी प्रकार से नगर को अच्छे से बनाए रखें। धन्यवाद। 6 दिसंबर है आज सर, कितनी फोर्स लगाई गई है? आज यहाँ पर करीब 6 थानों से फोर्स लगाई गई है, जिसमें लगभग 100 सिपाही, 2 प्लाटून पीएसी लगाई गई है, और किसी भी तरह की कोई भी घटना होने से हम लोग रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से किसी भी तरह से शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को इस तरह की इजाज़त नहीं दी।